हेलो एवरीवन, आई एम एडवोकेट राबिया अमजद। और जैसे कि आप जानते हैं, राखी सावंत का केस चल रहे थे और राखी सावंत का साथ दिया था शर्लिन चोपड़ा ने। बहुत ज़्यादा लड़ाई इन दोनों में रहती थी, लेकिन इस मौके पे शर्लिन ने राखी का साथ दिया और उन्होंने कहा कि कोई भी महिला जिसके साथ गलत हो मैं उसका साथ दूंगी। उन्होंने राखी का साथ दिया, मैसूर तक उसके साथ गई। इस तरह से वीडियोज में उन्होंने बयान भी दिए कि मैं राखी के साथ हूँ। लेकिन अब उनका एक नया वीडियो आई रिलीज हुई, जिसमें उनका बयान कहा कि मेरे साथ भी कुछ गलत हुआ है। तो अब राखी ने तब भी पहले भी नहीं मेरा साथ दिया था और अब भी उसने मेरा साथ नहीं दे, यानी कि मैं गलत उस टीम मेंबर पे यकीन किया। क्या कह रहे हैं उनका, आइए सुनाते हैं। थोड़ी सी कड़वाहट पैदा हुई है हम दोनों के बीच में। हाल ही में मैंने उनको ये मैसेज भेजा कि उनकी टीम के किसी सदस्य ने मुझको धोखा दिया, तो उन्होंने फिर से अपना फेवरेट डायलॉग मुझको सुनाया, अरे वो तो मेरा भाई है। लड़की का यौन शोषण क्यों ना हो, उसके साथ धोखा क्यों ना हो, हमेशा आरोपी आपका भाई क्यों बन जाता है? लड़की के लिए अपने दिल में या पीड़ित महिला के लिए अपने दिल में हमदर्दी क्यों पैदा नहीं कर सकते? तो इस बात को लेकर थोड़ी सी अनबन हो गई जी। चीटिंग हुई मेरे साथ और राखी के एक टीम मेंबर ने करी है। शर्लिन चोपड़ा का कहना था कि उनकी टीम मेंबर ने मेरे साथ पैसों का फ्रॉड किया। जब मैंने राखी को बताया तो उसने फिर वही जुमला बोला कि वो मेरा भाई है और वो हमेशा ऐसे करती है। मैंने हाल ही में जो पुलिस में एक शिकायत दर्ज करी थी उस शख्स के खिलाफ, और राखी को मैंने इतना भी किया कि देखो मैं ऐसा करने वाली हूँ क्योंकि आपकी टीम मेंबर ने चीटिंग करी मेरे साथ। तो राखी ने कहा अरे वो तो बहुत नेक बंदा है, वो मेरा भाई है, भाई है, भाई है। मैंने कहा राखी आपने साजिद खान के बारे में भी यही कहा था, आपने राज कुंद्रा के बारे में भी यही कहा था, या कोई भी इंसान किसी के साथ गलत करता है आप सबसे पहले उस आरोपी को अपना भाई मान लेती हैं, बना लेती हैं। आप पीड़ित महिला के प्रति साथ में कहती हैं कि अरे तू ही मेरी बहन है, चल बता तेरे साथ क्या गलत हुआ, ओके मैं तेरे साथ खड़ी हूँ। आपका रवैया ऐसा क्यों नहीं होता है, मैं आपके साथ मैसूर चली। शर्लिन ने कहा कि जब राखी के अपने साथ गलत होता है तब वो सबकी हेल्प मांगती है और वो आदमी गलत है, जब किसी और लड़की के साथ हो वो क्यों नहीं मानती। कोई असाइनमेंट साइन करी? बिल्कुल नहीं, मैं वहाँ गई सिर्फ और सिर्फ दोस्ती के नाते। राखी ने बोला आप मेरे साथ चलो और आदिल के खिलाफ जो कोर्ट केस चल रहा है मैसूर कोर्ट में, आप वहाँ पर मेरे साथ चलो और मुझे हिम्मत दो, सहारा दो, मीडिया से बात करो। मैंने कहा ठीक है, इतना तो कर सकती हूँ ना एक बहन के लिए। लेकिन जब मैं उससे कहती हूँ कि देखो आपके किसी टीम मेंबर ने मुझको धोखा दिया, मेरे साथ चीटिंग करी, तो आप खड़े नहीं होते हो मेरे लिए। मैंने इंसाफ की गुहार लगाई वहाँ मैसूर कोर्ट में, लेकिन आपने क्या किया? मेंबर ने चीटिंग करी मेरे साथ, आपने बोला अरे वो तो मेरा भाई है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। देखा जाए तो आदिल भी मेरा भाई है, आदिल भी बहुत अच्छा है। मैंने ये वॉइस नोट भेजा राखी को, मैंने कहा राखी तुम गलत कर रही हो, फिर से गलत कर रही हो, आदिल भी मेरा भाई है, जैसे तुम्हारा टीम मेंबर तुम्हारा भाई है ना, आदिल भी मेरा भाई है, अब बोलो। तो उसने कहा कि नहीं राष्ट्रीय से पूछो, राष्ट्रीय जानती है उस बंदे को। मैंने कहा ओके तनु से पूछो, आदिल कितना अच्छा है, जाओ तनु से पूछो, है कि नहीं। चित भी मेरी, पट भी मेरी, अंडा मेरे बाप का, ऐसा रवैया नहीं चलेगा। फाइनली शर्लिन ने कहा मुझे बहुत अफसोस हुआ है कि राखी ने मेरा फिर दोबारा से साथ नहीं दिया, जबकि मैं उसके हर कदम पे उसके साथ साथ रही। उसने फिर से अपने टीम मेंबर को ही अच्छा कहा और उसको अपना भाई का। इस केस से मजीद मालूमात के लिए देखते रहिए चैनल। कीप लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।